बाद लाल परेड मैदान में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ लाल परेड मैदान भोपाल में जो कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 भोपाल में लगा हुआ है। तो भाई साहब एक बार थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दो यार, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो लगा है अब जो आया है वो जो लाया है वो देगा। अच्छा जिसमें सारी लकड़ियों के सामान है अंदर की जो अपनी दवाइयाँ होती है ना उन चीजों के लिए, मतलब कि जो अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है वो चीजें अंदर। अच्छा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ बनती है उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए चलिए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से सारा एक एक हर चीज़ों का अलग अलग विभाग है, सारे मेडिसिन का, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी। आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक रूप से सारी चीज़ों का यहाँ पर समावेश है, सारी चीज़ें यहाँ पर रिसेप्शन स्टीवन मिला। आप देख सकते हैं सारी औषधियाँ, पौधे और जड़ी बूटियाँ जो आयुर्वेदिक रूप से सारी औषधियाँ हैं उस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लकड़ियों के सामान इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और ये सारी ये भी बालाघाट वन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सारी चीज़ें जी की सारी चीज़ें। ये लकड़ी पर पॉलिश किया गया है, सभी पे पॉलिश मिलेगा। तो ये ओरिजिनल किस पेड़ की लकड़ियों से बनता है? क्या बैम्बू की सारी चीज़ें बैम्बू की अच्छा। और सारी ये खिलौने जो होते हैं, सारी ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर वहाँ जंगली लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, आदिवासी लोगों के द्वारा। और और ये महुए के लड्डू, महुए के लड्डू बढ़िया है। कैसे एक डब्बा कितने का देते हैं? 100 रुपये। चलिए बढ़िया है। आप आए हैं सिंगरौली से? सिंगरौली से बढ़िया है। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? केव कंद। 100 रुपये।